औरतें नमाज पढ़ रही हैं और एक औरत इमामत करवा रही हो, तो वो आगे खड़ी हो सकती है, और अगर नहीं हो सकती तो क्यों? मेरे नज़दीक तो कोई हर्ज नहीं कि आगे खड़ी हो, मगर आमतौर पर औरतें बीच में रखती हैं और एक ही लाइन में खड़ा करती हैं। हो सकता है बस फुकहा ने यह कहा हो, मगर मेरे नज़दीक तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो फुकहा जो ये कहते होंगे कि औरत को अमामत का हक ही नहीं हो जाती, शायद उनके नज़दीक हो। तो आप रबे वाले फौरी सुनते हैं और मुझे बता भी देते हैं बिला तकल्लुफ और बिला तरद्दुद, तो वो उनकी तरफ से इतला आ जाएगी कोई ना कोई, इंशाल्लाह बाद में बताएंगे।